हेलो दोस्तों, तो दमो स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। जैविक खेती क्या है, ये बॉटनी में आता है। तो हम पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती क्या है, जैविक खेती के लाभ समझाइए। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है, तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद तथा कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। जैविक खेती कृषि की वह खेती है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अप्रयोग, जो संश्लेषित जो उर्वरक हैं या कीटनाशक का अपन प्रयोग करते हैं, उनके अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग के पर आधारित होती है, या तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद तथा कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। भारत कृषि प्रधान देश है, यह तथ्य हर कोई जानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। इतना ही नहीं, यहाँ के नागरिकों की खेती पर निर्भरता भी 80% के आसपास है। हरित क्रांति के शुरुआती दौर यानी 1960 से पूर्व यहाँ परंपरागत और जैविक खेती ही की जया करती थी, लेकिन बढ़ती आबादी और लोगों का पेट भरने के क्रम में रासायनिक खाद और अत्यंत किस्मों के बीजों का चलन शुरू हुआ। हम आत्मनिर्भर तो हुए, साधन के भंडार भरे गए, लेकिन खेती किसानी घाटे का सौदा होने लगा। 60 के दशक में 2 किलोग्राम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, अब 100 किलो तक पहुंच गया है। लागत कई गुना बढ़ गई है और उत्पादन स्थिर हो गया है। प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के वादे को पूरा करने में वैज्ञानिकों के भी हाथ पैर फूल रहे हैं। उन्हें कोई बेहतर रास्ता अभी तक समझ में नहीं आया है और फिर लोग जैविक खेती की तरह लौटने की सलाह देने लगे हैं। इसके कई कारण हैं। बेकार होती जमीन, प्रभावित होती खदान की गुणवत्ता, पशु और मानव में बढ़ते अनेक तरह के रोग इसके प्रमुख कारण हैं। पर्यावरणीय संकट इससे भी ज़्यादा गंभीर है। स्वास्थ्य को लेकर सजग लोगों के कारण से जैविक खेती अच्छी आय का जरिया बन रही है। तो जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें हम रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग करते नहीं करते हैं। जैविक खेती में वो जो हम रासायनिक खेत जिसमें हम कीटनाशकों और संश्लेषित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, वह रासायनिक खेती होती है। और जिसमें हम हरी खाद, कंपोस्ट, गोबर आदि का प्रयोग करते हैं, वह जैविक खेती है। जैविक खेती से मृदा की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। और रासायनिक खेती के कारण बेकार होती है जमीन। तो हम देखते हैं जैविक खेती से लाभ। जैविक खेती से लाभ, कृषकों की दृष्टि से लाभ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से कास्त लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह कृषकों की दृष्टि से लाभ है। अब देखते हैं हम दूसरा, मिट्टी की दृष्टि से लाभ। जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा। यह मिट्टी की दृष्टि से लाभ है। अब हम पर्यावरण की दृष्टि से लाभ देखते हैं जैविक खेती के। पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना। तो अब हमने देखे हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ। अब जैविक खेती किसे कहते हैं, यह तो इसमें समझ ही गए होंगे। और जैविक खेती से लाभ भी हमने पढ़ लिया है, कृषकों की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से।
ये तीनों लाभ बेहतरीन हैं। तो अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जैविक और रासायनिक कृषि में क्या अंतर है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।